नमस्कार मेरे YouTube परिवार को, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरे चैनल क्रश प्रॉपर्टीज में आप सबका स्वागत है। एक नई लोकेशन का रिव्यू आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इको टाउन में ये मकान है, 1500 स्क्वायर फीट में 5 BHK काइंड ऑफ है। ये बहुत ही शानदार मकान बना हुआ है इको टाउन में। रोड 18 फीट की है, नॉर्थ फेसिंग है प्लॉट आएगा दोस्तों इसमें। और मकान 3 मंजिला है, इवन 3 मंजिले में भी इसमें रूम आपको मिलेगा। बहुत शानदार डिज़ाइन है, जो भी कमरे इसमें हैं बहुत बड़े बड़े हैं, 14x14 के हैं। ड्राइंग रूम भी बहुत अच्छे साइज के हैं। ये देखिए कितना शानदार इसमें अंदर से काम किया हुआ, खुद ए PWD के इंजीनियर थे, उनका मकान है ये। बहुत शानदार ये मकान बना हुआ दोस्तों, 5 BHK है ये। इको टाउन में बहुत पॉश इलाका है, आप कहीं से शहर में, आप यहाँ पर बहुत नज़दीक में शहर है, आप कहीं को भी मूव कर सकते हैं। हॉस्पिटल नज़दीक में है, मार्केट नज़दीक में है, कन्वेंस आपको 24 घंटे यहाँ पर मिल जाएगा। ये मंदिर है देखिए ग्राउंड फ्लोर पे ये, और ये पूरा ड्राइंग रूम है, पीछे भी इसमें जगह बनी हुई है ऑलरेडी। ड्राइंग रूम देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, किचन भी बहुत शानदार सा मॉडलर किचन है इसमें बना हुआ, ये देखिए। और मकान को बनने में ज़्यादा समय नहीं हो रहा दोस्तों। बाहर में क्या है, आप छोटी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो, अगर आपको बड़ी गाड़ी पार्क करनी है तो छोटा ये जो आपका जो स्टेयर का हिस्सा नीचे का ये आपको हटाना पड़ेगा, बाकी आप आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बाहर 18 फीट की रोड है प्रॉपर, और डबल पानी की लाइन है इसमें, 2 पानी की लाइन है, सामने रोड है। तो रोड से अगर आप इको टाउन की तरफ से आएंगे तो दूसरा मकान है, अगर आप आनंदा अकेडमी की तरफ से आएंगे तो करीबन 8वां मकान में पड़ेगा। बाहर कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। आसपास काफ़ी पॉश लोकेलिटी, अच्छे अच्छे घर यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए हमारा मकान पूरा 3 मंजिला है ये। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स आपको ये स्टील की मिलेंगी, लोहे की बनी हुई है पूरी, और बहुत ही वेल डेकोरेटेड मकान है देखिए। और छत से, आई मीन सेकेंड फ्लोर से कितना शानदार सा व्यू है इसका, प्रॉपर व्यू आपको मिलेगा। ये नीचे का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, और आसपास देखिए स्कूल यहाँ पर नज़दीक में है, इवन आनंदा अकेडमी आपके जस्ट डोर स्टॉप पे ही है। अब हम फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। ये ड्राइंग का हिस्सा है फर्स्ट फ्लोर का, देखिए पूरा फॉल सीलिंग है, ये देख सकते हैं आप। ये ड्राइंग रूम है यहाँ पर, और ऊपर भी इतना बड़ा इन्होंने किचन दिया हुआ है, देखिए कितना बड़ा किचन है। ये बेडरूम है, और बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है बेडरूम है। बेडरूम के साथ पीछे बैठने के लिए बहुत बड़ी बालकनी भी यहाँ पर दी हुई है। अटैच वॉशरूम भी इसमें बना हुआ, देखिए दोस्तों अटैच वॉशरूम है, ये बालकनी है पीछे, देखिए कितना बड़ा हिस्सा है। आप अच्छी खासी छोटी गेट टुगेदर आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी बालकनी है, और पीछे को भी इसमें जगह दी हुई है। तो चारों तरफ से वेंटिलेशन आपको मिलेगा इस घर में। फिर ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी आपको मिलेगा, और ऊपर जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ ही दी हुई हैं। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला फ्लोर आप रेंट पे देख के आप फर्स्ट फ्लोर पे अपना रह सकते हैं। देखिए कितना बड़ा रूम इसमें दिया हुआ है ऊपर, ये हॉल है पूरा दोस्तों, बहुत ही शानदार है बना हुआ अटैच वॉशरूम के साथ में। अब हम छत की तरफ चलते हैं, और छत भी इन्होंने बहुत ही शानदार बनाई हुई है, प्रॉपर 2-2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक लोहे का, एक फ्रेम, एक आपका है जाली का। और छत देखिए कितनी शानदार डेकोरेटेड छत बनाई हुई है, प्रॉपर स्टेयर्स ऊपर को दिए हुए हैं, तो आप ऊपर नीचे दोनों तरफ आराम से यहाँ पर बैठ के शाम में मज़ा ले सकते हैं पूरे शहर का। आप प्रॉपर पूरा शहर और पहाड़ यहाँ से देख सकते हैं। सामने पानी की टंकी है, पानी बिजली की यहाँ पर कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही शानदार अप्रोचेबल इको टाउन। आपको पता ही है कितना पॉश इलाका हल्द्वानी का। सामने आप जो देख रहे हैं वो है STH सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, और पूरा शहर इस तरीके से दिखता है छत में से हल्द्वानी का। प्रॉपर शहर के साथ साथ आपको पहाड़ों का भी बहुत शानदार यहाँ पर व्यू मिलेगा। नज़दीक में मकान बना हुआ है, देखिए चारों तरफ पॉश लोकेलिटी है यहाँ पर, तो आप जल्द से जल्द आप आएँ साइट को विज़िट कीजिए, देखिए मकान को। प्रॉपर अपने लिए बनाया हुआ है मकान है, कोई बिल्डर का भी मकान नहीं है, प्रॉपर अपने लिए बनाया हुआ है। कुछ परेशानी इनको है हेल्थ से रिलेटेड, तो इसलिए इसको सेल कर रही है। तो दोस्तों कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो अपना नंबर यहाँ पर मेंशन करूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आपके जो डियरेस्ट हैं, जो नियरेस्ट हैं, वो मकान इस तरीके का देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू सो मच।